गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल, फोर्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स. टुडे वी विल लर्न फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन. एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. किसी भी नंबर को एक प्रोडक्ट की तरह रिप्रेजेंट करना फैक्टराइजेशन होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल फैक्टराइज 12. 12 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 3 multiply 4, क्योंकि 3 multiply 4 इज इक्वल टू 12. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 multiply 2, एंड हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 multiply 3 multiply 2. तो कितने वेज हो गए यहाँ पे फैक्टराइज करने के? 3 वेज ऑफ फैक्टराइजिंग आ गए आपके पास. ठीक है, और फैक्टराइजिंग हम करते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको 12 को फैक्टराइज करना है, तो आप 12 को सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करेंगे. सो यू विल गेट 2 multiply 6, क्योंकि 2 की टेबल में 6 पे आएगा 12. सो यू कैन गेट 2 multiply 6. देन यू विल डिवाइड 12 by 3, सो यू विल गेट 3 multiply 4. 3 4s are 12 होता है ना, तो ये मिलेगा आपको. एंड आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 multiply 3 multiply 2. तो आपके पास 12 को फैक्टराइज करने के 3 वेज हैं. ये हमने जो अभी स्टडी किया, दिस इज फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. हम एक और फैक्टराइज करके देखते हैं नंबर 42 को. पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, और जब आप 42 को 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 21. आफ्टर दैट यू विल डिवाइड 42 बाई 3. वेन यू विल डिवाइड इट बाई 3 यू विल गेट 14 एज अ क्वेश्चन. सो वी कैन राइट 3 multiply 14. एंड 42 और कौन सी टेबल में आता है, आप 4 से डिवाइड करके देखें, देन 5 से डिवाइड करके देखें. लेकिन अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन नहीं मिलेगा. 7 की टेबल में 6 आता है, 7 की टेबल में 42 आता है एट द प्लेस ऑफ 6. 7 6 is 42. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 multiply 6. वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो कि 2 multiply 3 multiply 7. तो 42 को फैक्टराइज करने के 4 वेज होते हैं. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन. When a number is expressed as a product of prime factors only, जब उनके जो factors हों वो सारे के सारे factors prime होंगे, तभी हम उसे prime factorization कहेंगे. See, 12 में जो हमें factorization के ways मिले थे वो थे 3 multiply 4. अब 3 तो यहाँ पर prime factor है, but 4 prime factor नहीं है, ये है composite number. एंड 6 multiply 2 में 2 तो प्राइम है लेकिन 6 प्राइम नहीं है. और जो थर्ड वे था 2 multiply 2 multiply 3, इसमें ऑल आर प्राइम नंबर्स. तो दिस इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन. ऐसे ही हम 42 का भी देख लेते हैं, 2 multiply 21, 2 प्राइम फैक्टर है बट 21 प्राइम नहीं है. 7 multiply 6 में 7 प्राइम नंबर है बट 6 प्राइम नहीं है. 6 के आगे और भी फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं. सिमिलरली 3 multiply 14 में 3 प्राइम है बट 14 को आप और भी आगे डिवाइड कर सकते हैं. एंड इन दिस 2 multiply 3 multiply 7 ऑल आर प्राइम नंबर. सो दिस इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आपको फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया. And on the base of this video, you can solve these sums. For example, factorize 30. आपने 30 को factorize करना है in any two ways of your choice. आपने factorize करना है, prime factorize नहीं करना. तो we can write as 3 multiply 10 write कर सकते हैं, 2 multiply 15 भी कर सकते हैं, 6 multiply 5 कर सकते हैं. 24 को जब हम factorize करेंगे तो 2 multiply 12, 3 multiply 8 या 4 multiply 6, आप किसी भी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं. नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. 84 के हमने प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं और 60 के. तो प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने का क्या वे होता है, दिस वी विल लर्न नाउ. सी, वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24. तो स्टूडेंट, जब भी किसी नंबर के आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे हम. सी हियर, 24 डिवाइडेड बाय 2. पहले हमने 2 से डिवाइड किया
तो यहाँ पे आ गया 12, रिमाइंडर हो गया 0. अब इस 12 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे बाय 2, सो वी विल गेट अगेन 0 एज रिमाइंडर. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 6. इस 6 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0. ठीक है, अब इस 3 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, सो वी विल स्टॉप हेयर. और इसको राइट कैसे करेंगे एक बार फिर से देखते हैं. जब हमने 24 को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला था, कोशेंट 12. तो हम राइट करेंगे इसको ऐसे एरोज लगा के कि हमने 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 एंड 12. सो वी विल राइट हेयर 2 एंड वी विल राइट हेयर 12. 2 तो प्राइम फैक्टर है तो यहाँ पे स्टॉप हो गया, लेकिन ये जो 12 है ये प्राइम फैक्टर नहीं है. जब तक हम प्राइम पे नहीं पहुँचेंगे हम डिवीज़न करते रहेंगे. ये 12 था तो हमने 12 को 2 से डिवाइड किया एंड वी गॉट 6. तो हमारे पास फिर से 2 पार्ट्स आ गए 12 के, 2 एंड 6. सो वी विल राइट हेयर 2 एंड 6. 2 के नीचे हम राइट करेंगे स्टॉप, क्योंकि इसको हम और आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. लेकिन 6 को हम अभी भी डिवाइड कर सकते हैं. तो 6 को हमने किससे डिवाइड किया, 2 से, और हमें क्वेश्चन क्या मिला, 3. तो हम राइट करेंगे 2 एंड 3. अब ना तो हम 2 को आगे डिवाइड कर सकते हैं और ना ही 3 को, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर हैं. तो जब हमारे लास्ट में हम प्राइम नंबर्स पे पहुंच जाएंगे तो हम वहां पे स्टॉप हो जाएंगे. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 24 कौन से हैं, जहां पे हम स्टॉप हुए थे, 2 एंड 3. और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखते हैं हम, जितनी बार भी हमारा 2 आया है वी विल काउंट 1, 2, 3. तो हम 3 टाइम 2 राइट करेंगे और 1 टाइम 3 राइट करेंगे. तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन. लेकिन अगर सिर्फ प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो जहाँ हम स्टॉप हुए हैं 2 एंड 3 पे, ये दोनों हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं. एक एग्जांपल हम और देखते हैं, 120. हमें 120 के प्राइम फैक्टर्स चाहिए और प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए. सेम मेथड है, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवीजन स्टार्ट करेंगे. तो ये 2, 6, 12 और 0, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या मिल गया, 60. तो हम 120 का एक ट्री बनाएंगे, इसको ट्री मेथड कहते हैं. इसके नीचे 2 ब्रांचेस हो गए और 1 ब्रांच के नीचे लिखेंगे हम 2 और सेकेंड ब्रांच के नीचे लिखेंगे 60. मीन्स हमने 120 के 2 पार्ट्स कर दिए. ये होते हैं हमारे 2 पार्ट, 2 एंड जो हमारा क्वेश्चन आता है वो सेकेंड पार्ट, 60. 2 इज़ अ प्राइम नंबर तो इसके नीचे हम लिख देंगे स्टॉप. 60 को फर्दर हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक हम लास्ट में सारे हमें प्राइम फैक्टर्स नहीं मिल जाते. तो 60 को अब हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, वी विल गेट 30. सो वी विल राइट एज 2 एंड 30. 2 पे फिर स्टॉप हो गया. 30 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से एंड वी विल गेट 15. तो 2 पे हम स्टॉप हो गए. अब 15 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आप सबको पता है कि 15 2 की टेबल में नहीं आता. तो हमने 15 को डिवाइड किया नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर से, दैट इज 3. जब हम 3 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 5. 3 5 ज़ा 15. तो 3 प्राइम नंबर है सो वी हैव टू स्टॉप. 5 भी प्राइम नंबर है, अगेन वी हैव टू स्टॉप. तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे 2, 3 एंड 5. और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, जितनी बार 2 आया है हम काउंट करेंगे 1, 2, 3. 3 टाइम हम राइट करेंगे 2, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5. तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड. तो स्टूडेंट्स आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया. नाउ यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज 6.3. आपने इसके 3 सम्स तो कल ही कर लिए थे. आज प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर 3 मेथड आप लगाएंगे और इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये मेथड. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीपल्स. हैव अ गुड डे.